नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग में नवनियुक्त हुए 48 सहायक अध्यापकों को नियुक्त पत्र वितरित किए। आपको बता दें, इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 2900 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और आने वाले दिनों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी इंटर कॉलेज स्तर तक की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने सभी नियुक्त हुए सहायक अध्यापकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्र में मन लगाकर सेवा करने की अपेक्षा की। कब तक चलेगा? देखिए, हम पूरे प्रदेश में 2906 लोगों को बेसिक शिक्षा में टीचर्स की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज नैनीताल जिले में हम 48 टीचरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये पूरे महीने में हम लगभग 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि जो 100% टीचरों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय में भी जो कोटा भगवान को दिक्कतें आई थी, उसको किस तरह से देखते हैं, भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ऐसा है कि अब हमने जितने भी हमारे आवासीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके लिए एक SOP जारी कर दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।